सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम में मेरे प्रभु जी सिर झुका रहे हैं, पवित्र आत्मा हाथों को उठा रहे हैं, परमेश्वर इनके घराने पर पवित्र आत्मा तेरी दया होने पाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु कोई भी जनिया से खाली हाथ वापिस ना जाए, परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थ वाला हाथ, दया वाला हाथ इनके ऊपर उतरने पाया आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, इस समय परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे आने पाए। पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा कि सच में मेरे प्रभु तू अनुग्रह करेगा आज अपने लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जोर से तारीफ करो, शाबाश। और इसी समय विश्वास से कहो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा आज। बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जोर से फिर से गाओ, फिर से गाओ। शाबाश। गवाही टेस्टिमनी, जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। मेरी शैतानी उत्ते फते पावांगे, मेरी शैतानी उत्ते फते पावांगे, मेरी शैतानी उत्ते फते पावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। नचांदे नाल अगे वदम वधावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असी लावांगे, नचांदे नाल अगे कदम वधावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असी लावांगे, कंदा यरी हो जियां अज टावांगे, जरी हो जिया अज टावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरे यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरे यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा, कहते हुए मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ गए, उछल कर कहते हुए कलीसिया मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ गए, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, गिरने नहीं वो देगा, फिर कहेंगे गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा, कहते हुए मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां।
घबराए घबराए राजा मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा। तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा। हालेलुया, मेरा यीशु जो मेरे साथ। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, नीचे बैठ जाएं, शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जो लोग खुश हैं जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अभी इसी समय जितने लोग खुश हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में मिराकल करेगा। आज सबके लिए ले हैंड प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाहियां आएंगी और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ओए वॉलंटियर क्या कर रहा तू, कैबिन देख जरा। और इसी समय अपने गवाही के साथ, शाबाश, गवाही के साथ। हालेलुया, प्रभु जी बहन बता रहे हैं इनकी सिस्टर को 15 साल हो गया अमेरिका के अंदर, मगर पीआर नहीं मिल पा रही थी, चर्च आए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, बता रहे हैं अमेरिका की पीआर आ गई है। बल्ले 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 आज ते हो गई, बल्ले बल्ले वाह, बल्ले 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 आज ते हो गई, बल्ले बल्ले। जोर से तारीफ करें, शाबाश। हां, गवाही सुनेंगे बहन की, गवाही सुनेंगे। सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी सिस्टर अमेरिका में 15 साल से पीआर की ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं रही थी। मेरी सिस्टर 2008 के विच अमेरिका दे विच गई, पीआर दे लई बहुत ट्राई कर रही सी लेकिन मिल नहीं रही सी। मेरी सिस्टर ने अब 15 साल के बाद जब चर्च में स्पेशल बीज बोया, स्पेशल ले हैंड कराई, पापा प्रोफेसी कर रहे थे, जी नाम वालों को गुड न्यूज़ मिल रही है। मेरी सिस्टर को 15 साल के बाद अमेरिका की पीआर मिल चुकी है। खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। चलो शाबाश शाबाश। आप देख रहे हैं कितने लोग सुन रहे थे अभी इस गवाही को। बेटे कहाँ से आए आप? लुधियाना से पापा। लुधियाना से कैसे मिली यूएसए पीआर की आशीष? स्पेशल पीस बॉय और स्पेशल ले हैंड करवाने से पापा 15 साल के बाद पीआर मिली है। बता रही है स्पेशल बीज बोया, स्पेशल ले हैंड प्रे कराई और बता रही है कि 15 साल के बाद पीआर की आशीष मिली है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया, प्रॉफिट जी अमेजिंग टेस्टिमनी है, लाइन लगी हुई है, सालों साल से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे नहीं लग पा रहे थे, मगर चर्च आए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, कैनेडा अमेरिका वीजों की लाइन लग गई है। ओ तो धमाकू जी नच नच के, तो धमाकू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। आप सुन रहे हैं, देखो ऊपर करो शाबाश। हां देखो इसी समय, कहां से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। देखो गुरदासपुर से स्पेशल ले एंड प्रे कराई, परमजीत जलंधर से ले एंड प्रे कराई, कहां का वीजा आया? जर्मनी का वीजा आया। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। कहां का वीजा आया? अमेरिका का वीजा आया, स्पेशल ले एंड कराई, अमेरिका का वीजा आया। कहां का? कनाडा का।
कैसी आई, कैसी आशीष? स्पेशल लैंड पर कराई, कहाँ का वीजा मिला? कनाडा का। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जर्मनी का वीजा है। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। दिखा इधर, अमेरिका का वीजा दिखा इसको, जूम कर, शाबाश। फोटो कॉपी निकाल के पहले व्हाट्सएप कराया करो इधर। और इसी समय अमेरिका का वीजा स्पेशल लैंड पर कराई। कहाँ से है सबरजीत? कहाँ से है? जलंधर से। जलंधर से स्पेशल लैंड पर कराई। कहाँ का वीजा आया? कनाडा का। कनाडा का। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कनाडा का वीजा है। आगे करके दिखाएं इसको, जूम करके। फाजिलका से आए। और हाँ बेटे, कहाँ से आए? फाजिलका अबोर से। फाजिलका अबोर से आए। और स्पेशल लैंड करवाई। स्पेशल लैंड पर कराई। कहाँ का वीजा आया? कनाडा का। कनाडा का। जोर से तारीफ करें। स्पेशल लैंड कराई, तीन रिफ्यूज थे, कनाडा का वीजा आया यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय शाबाश, दिखा इसको भी स्क्रीन पर दिखा। जोर से तारीफ करो, जोर से। स्पेशल लैंड पर कराई, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। कहाँ की आशीष मिली? नहीं पापा जी, स्पेशल लैंड कराई सी किते। हां हां, जेनू इटली नाल वीजा नाल ब्लेस होए। इटली का वीजा। हां नेक्स्ट 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 छोड़ दे। हां नेक्स्ट। हां हां, आगे पूछना उसे। कहां? कैसे मिली बेटे आशीष? स्पेशल लैंड। स्पेशल लैंड कराई थी। डर क्यों रही है? कनाडा का वीजा आ गया। कहां से आई तू? बठिंडे से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मेरे वालों पापा नु जैमसी, सारे कलीसिया नु जैमसी, ते मेरे दोनों ब्रदर दे दोनों बेटियां दा वीजा जर्मनी दा, कनाडा दा। ते जदों मैं हुन संडे इत्थों गई ते नाल दी नाल इक कनाडा दा वीजा होर आ चुका, ते मैं पापा तो अपॉइंटमेंट भी ले सी स्पेशल वीज बोके। जोर से तारीफ करो। देखो सानू ब्लेस कर दित्ता है। जब यहां से संडे गवाही देकर गई, एक और वीजा उसका कनाडा का आ गया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। आप विश्वास करना। हाँ हाँ, कहाँ से आए? कहाँ का वीजा है? यूरोप का। यूरोप का। स्पेशल लैंड प्रे करे प्रॉफिट जी। कैसे मिली आशीष? प्रोफेसी हुई थी गुरदासपुर क्रूजर पे मेरे वाइफ के नाम की। हाँ हाँ। और स्पेशल लैंड प्रे कराई तो मेरी वाइफ पहुंच चुकी। कहाँ पर पहुंच गई है ये तो बता। यूरोप। यूरोप। यूरोप तो बहुत बड़ा है, 28 कंट्री है उसमें। इटली, जर्मनी, यूरोप, जर्मनी। जर्मनी में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। शाबाश। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया 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 करो। ओ मजा लग गई आने, ओ मजा लग गई आने, ओ मजा लग गई आने कदे खू करके, कदे खा करके, कदे खू करके, कदे ना करके। फटाफट नेक्स्ट गवाही। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, मिल नहीं रही थी। जैसे आपने प्रोफेसी करी कि गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे, इन्होंने रिसीव किया। बहन बता रही है गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा हाँ हाँ। बेटे बेटे शाबाश, बताएंगे फटाफट। हाँ, थोड़ी गवाहियां लेंगे फर्स्ट। जय मसीह सारे अनु। सबको लाइन लगा दे फटाफट, गवाही की लाइन लगा दे एक साथ। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? लुधियाना जिले से, सुधार पिंड तो। सुधार पिंड से। हाँ जी। अच्छा हाँ हाँ। पापा जी मेरी गवाही ये है कि मैं प्रेयर रिक्वेस्ट विच मेरे हस्बैंड नु गवर्नमेंट जॉब मिली, ते मैं प्रेयर रिक्वेस्ट विच प्रार्थना कीती सी कि मेरे हस्बैंड दी जॉब असाम तो नेड़े आ जावे। उन्हां दी हुण बदली हो चुकी है, असाम तो आगरे आ चुके ने।
मैं प्रभु दे दास ते प्रभु यीशु जी दा धन्नवाद करदी हां हालेलुया अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली हां जी कहां से आए आप सुधार पिंड तो लुधियाना से आए सुधार पिंड से हां जी और अब ये गवाही देने के बाद उस गांव में भी सुधार आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में जो सुधार करना चाहते हैं अपने गांव में अपने हाथों को उठाओ जोर से हालेलुया बोलो आज खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों अपने हाथों को उठाओ शाबाश कब से नहीं था बेबी आपके पास 7 सालों से कहां से आए आप कपूरथले से आए कपूरथले से हाँ बताओ बेटे कैसे मिली आशीष मैं अपनी ननंद की यहाँ पर दुआही देने आई थी कि उसे 6 सालों से बच्चा नहीं हो रहा था और आपने भिषवानी की थी कि जिनके बेबी बॉय नहीं है आप उनके लिए रिसीव करो तो मैंने रिसीव किया था मेरी ननंद को 6 साल के बाद बेटा हुआ था तो आपने मेरे लिए भिषवानी की थी कि तुझे ही बच्चा होने के लिए जा रहा है तो मैंने रिसीव किया आज मैं 6 महीने से प्रेगनेंट हूँ अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश 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 हाँ हाँ नेक्स्ट 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 गवाही के साथ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है बहन बता रही है कि ये बहन के पास 7 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं थी जैसे आपने प्रोफेसी करा कि बेबी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रहा है इन्होंने रिसीव किया 7 साल बाद बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है उधो नचना कमाल हो बेगा उधो नचना कमाल हो बेगा ओ जदो यीशु दा जलाल हो बेगा ओ जदो यीशु दा जलाल हो बेगा बोलो यीशु मसीह की हां 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 शाबाश शाबाश बेटे शाबाश नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉफिट जी ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है बता रही है कि इनके पास काफी समय से बेबी ब्लेसिंग नहीं थी जैसे ये बहन शोभा यात्रा में आई प्रोफेसी को रिसीव किया और ब्लेसिंग वाला केक खाया बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है खुदावंद के लोगों पास्टर जी हां हां पास्टर जी मेरी बहन को 5 साल से बेटा नहीं सी उन्होंने शोभा यात्रा से केक खाधा ते वो बेटे ना ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में देखो आपके सामने करे शोभा यात्रा पर केक खाया बेटे के साथ ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में हा 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 नेक्स्ट 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 प्रोफेट जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है ये बैंड बता रही है काफी समय से इस बैंड को लहू बहने का रोग था कंटिन्यूसली लहू बहता था डॉक्टर्स कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि जब रिपोर्ट्स करवाते थे नॉर्मल आती थी लेकिन जैसे ये बैंड चर्च में आए प्रोफेसी को रिसीव किया अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके दुखों ते बेले तेरी यहोवा सुने दुआ दुखों ते बेले तेरी यहोवा सुने दुआ इज्जत तेरी बतावेगा इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा यस यस नेक्स्ट 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 हां 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 जेम्सी पापा जी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने हाथों को उठाओ शाबाश सुनो ऊपर कर कार्ड लव बहने की प्रॉब्लम थी आपको आप ठीक हो गए हां बेटे ये पाइल्स की प्रॉब्लम बवासीर की प्रॉब्लम कब से थी पापा जी को जय मसीह की कब से थी प्रॉब्लम बेटे 20 साल से थी मेरे पापा को मेरी मदर को भी मम्मी डैडी को फाजिलका से आए आप फाजिलका से आए हां जी सर कैसे मिली बेटे आशीष अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और आप सुन रहे हैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया अभी बवासीर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है आपने भी सुना उसके पास बेटा नहीं था काफी समय से इस बहन के पास भी देख रहे हैं आप यहाँ पर आकर लोगों ने गवाही दिया एक और दे रही है 7 साल कोई 5 साल कोई 4 साल और ये 7 साल से कहाँ से आई बेटे माइकल जलंधर जोर से बोल जलंधर जलंधर से कैसे मिली बेटे आशीष प्रोफेसी को रिसीव किया आज बेटे के साथ आई है जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में ये पवित्र आत्मा है और इसी समय बता रहे कि स्पेशल ले एंड प्रे कराया काफी बार मिसकैरेज हो रहा था इस बहन का और इसी समय बता रही है कि अब ब्लेसिंग मिल चुका है 5 साल 7 साल 4 साल बेटे नहीं थे और आपने 8 गवाहियां लगातार सुनी कैनेडा कैनेडा यूएसए कैनेडा कैनेडा और परमेश्वर ने आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है ये गवाहियां आज उन लोगों के लिए जो सप्लाई को लेना जानते हैं मेरी बात समझ रहे हैं सप्लायर जीसस एक सप्लायर है
मूसा एक सप्लायर है, समझ रहे हैं, और उसने हमें भी इस धरती पर एक सप्लायर बना के भेजा है। बोलो हालेलुया। वो लाइट है, परमेश्वर एक ज्योति है, और वो ज्योति जब किसी के जीवन में आती है तो जहां भी आप, जिस बात के लिए आपकी जिंदगियों में अंधेरा है, आपके घर में अंधेरा है, जब आप डोर खोलते हैं तो वो अंधेरा भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं? तो कह रहे कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगियों में से वो अंधेरा, वो निराशा, वो चिंताएं भाग जाएंगी, जो आप अंदर से आपके आपको डरा रही हैं, आपको कह रही हैं कि नहीं तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा कोई काम नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूं कि ज्योति लाइट अंदर आ रही है आज आपके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलने वाले लाइट में जा रहे हैं आज। अपने हाथों को उठाओ और आज उस रोशनी को ले लो यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार हैं आप आज उस रोशनी को लेने के लिए? उस चमत्कार को देखने के लिए तैयार हैं? जितने आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रार्थना में जाएंगे, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी आज हर एक जन के ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ उतरने पाए परमेश्वर। कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए पिता। मैं समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह वाले हाथ को देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन पवित्र आत्मा जी ये ना कहने पाए कि तेरा प्रभु कहां रहा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग इस समय तुझे ढूंढ रहे हैं, तेरे नाम के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में मिराइकल होने पाए, मिराइकल होने पाए, बड़े बड़े छुटकारे होने पाए, बड़ी बड़ी आशीषें खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंद पड़ा द्वार इनके लिए खुल जाए, हर एक डोर खुल जाए, हर एक रास्ते इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक द्वार इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। क्या आप आशीष लेने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कितने लोग कर्जे में, गरीबी में, समस्या में, अगर कोई है तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं किसी समय अपने लिए नहीं, आज अपने बच्चों के लिए, आज दूसरों के लिए बीज बोकर देखो। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जो बीज लेकर आए हैं ध्यान से सुनना, आपको हमेशा एक बात सिखाई गई कि परमेश्वर के राज्य के लिए जब बीज बोते हैं तो पवित्र आत्मा मिराइकल करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि मैं आज किसी मनुष्य को देखकर नहीं, मैं आज प्रभु को देखकर बीज बो रहा हूं। और इसी समय सब लोग बीज निकालें, शाबाश, अपने हाथों में पकड़ें बीज और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशी अक्षय से लिखे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो लोग आज बीज बो रहे हैं, जो मुझे इस समय देख रहे हैं, कोई इस समय कैनेडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, भारत से, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस समय पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान से, चंडीगढ़ से, इस समय राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पवित्र आत्मा जहां से भी ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय छुटकारे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को ऊंचा करो। बीज आज बोने वाले लोग आशीषित हो जाएंगे जो अपने हाथों में बीज पकड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बीज नहीं बोता वो बेसहारा रहता है, बेसहारा। बीज बोने वाले लोग, बाइबल का नियम है, बीज बोने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहते, बीज बोने वाले लोग कभी कर्जे में नहीं रहते। जो बीज नहीं बोता वो अपनी आशीषों को नहीं देखता। आपको समझना है, बीज बोना है, बीज बोने वाले आशीषित हो जाए आदि यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये फेंट इनके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक बंद पड़ा द्वार इनके लिए खुलने पाए, आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आमीन। जो लोग खुश हैं आज मिराइकल होगा उनके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करें। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, यहोवा एलोही। यहोवा एलोही। फिर से गो एक बार। हम प्रस्तिश करते हैं रू सच्चाई से, रू की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रू सच्चाई से, रू की मदद से और गहराई।
सच्चाई से प्रस्तिश की माला लाए 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 तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में यहोवा एलोही 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 ये सुनो करता है प्यार बंदिया नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदे नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया सुनो करता है प्यार बंदिया नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया नच दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया दौद वागू नाले ताड़ी मार बंदिया मैं किससे डरूंगा मेरा चोर यहोवा है मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है मेरा दुश्मन कौन बनेगा मेरा दुश्मन कौन बनेगा मेरी और यहोवा है मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है गिरने नहीं वो देगा मुझको थामे मेरा हाथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है मैं ना डरूंगा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। आइए अपने हाथों को उठाएं शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं मेरे पिता पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना काटने पाए आज यीशु मसीह के नाम में हर एक बरकत इन्हें मिलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में इनके लिए हर एक छुटकारा होने पाए आज जो नहीं जुड़े हुए इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग आने पाए छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं उनके घर में आज बड़ी बेदारी आने वाली है। आपको सुनना है बहुत सारे लोग जो लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं कितने लोग हैं वो हाथ उठाकर बताओ पाना चाहते हैं अभिषेक को। आज अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करेगा आपके ऊपर दया करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे ऊपर दया हो जाए। ये पवित्र आत्मा है आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए ये आज किसके लिए विश्वास करने वालों के लिए आज सबके लिए ले हैंड प्रे करेंगे आज लोग छुटकारे पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कल मैं आपके लिए प्रेयर करके आया हूँ कि प्रभु जिनके ऊपर हाथ रखा जाए आज वो आजाद हों उनके छुटकारे हों। आमीन। तैयार हैं आप? यस। तैयार हैं? हर संडे 100 लोगों के लिए स्टेशन होता है। हर संडे जो लोग जल्दी आकर स्टेशन करा सकते हैं वो कराएं। लेकिन आज अपने मेंबरों के लिए हमने मीटिंग रखी है कि ताकि वो लोग बरकतें पाएं यीशु मसीह के नाम में आशीष पाएं। बोलो हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। किससे
बोलो मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको। भजन संहिता 105 में लिखा, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो जाए। सुनना ध्यान से, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ में अब तक मिराकल नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कोई छुटकारा नहीं हुआ। बाइबल बोलती है कि जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाए तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहेगा। आप समझ रहे हैं, कब तक परीक्षाएं आती हैं, कब तक आपकी जिंदगियों में छुटकारे नहीं आते, कब तक आप संघर्ष पर संघर्ष करी जा रहे हैं। कह रहे जब तक आप खरे नहीं उतरते परमेश्वर की, परमेश्वर के कलाम पर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप आज्ञा को मानना सीख नहीं जाते, जब तक आप हृदय की सच्चाई से परमेश्वर को नहीं पकड़ लेते, तब तक वो आपको कसता रहता है, कसता रहता है, कसता रहता है, कसता रहता है। समझ रहे हैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया। घोड़े की जो नाल होती है, नाल घोड़े की जो नाक में जो नाल दी जाती है, नाल ही बोलते हैं उसको, लगाम लगाम, उसको जितना कसेंगे उतना वो और तेज दौड़ता है। हालेलुया, समझ रहे हो। जब उसको पता लगता है ना मेरा मालिक कुछ कर रहा है तो वो भागता है। कह रहा है जितना आपको शैतान परेशान कर रहा है, आपकी लगाम खींच रहा है, मैं कह रहा हूँ उतना ही परमेश्वर आपको मजबूत करता जा रहा है। समस्या के नाम समझ में आया, परमेश्वर उतना ही। आपको परमेश्वर ने चुना है आशीष देने के लिए, क्या आप तैयार हैं? Yes. कितने यहाँ पर, कोई पास्टर यहाँ पर ऐसे, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कस रहा है परमेश्वर, मेरी लाइफ में बहुत परीक्षा आ रही है, बहुत मेरी लाइफ में ऐसी समस्या आ रही है। विनोद कौन है? विनोद, विनोद नहीं, नहीं विनोद, मैं कह रहा हूं कि विनोद ऐसे, विनोद हाँ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ चुपचाप तुम खड़े रहो। नाम है आपका? जी विनोद कुशवाहा। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम। सुनो, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, बैठ जाएं कोई खड़ा नहीं होगा, और उसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई जन है, पास्टर है, कोई सेवा करता, मतलब कभी कभी, उसका नाम विनोद है। क्या क्या करते हो आप? जी सेवा करते हैं। तारीफ करें जोर से। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। सेवा करते हैं जी। आप जब सेवा करते हो पास्टर हो, आपको बार 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 माइंड में ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा या नहीं होगा जी, जी, जी। और बार बार आपके घर पर, परिवार पर हमले हो रहे हैं, हमले जी, जी। आप दुआ करते हो बाहर, लेकिन घर आते हो तो आपको रात को रोना पड़ता है जी, जी, जी। घर के हालात देखकर आप परेशान हो जाते हो जी। एक दिन आप किसी के घर से प्रेयर करके आ रहे थे जी, जी। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जब आप प्रेयर करके निकल रहे थे तो वो दुष्ट आत्मा आपके पीछे जा रही थी जी। और जब आप, और उसी समय जब आप सिर पे हाथ रख के आए तो वो आपकी फैमिलियों में घुस गई जी, 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 सेम। और अभी भी कह रहे कि आप प्रार्थना करते हैं, आपकी बेटी के यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया जी, जी, हाँ। आपकी वाइफ के यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया जी, हाँ। उसके यहाँ पर ज्यादा दर्द रहता है जी, जी। सिर में, आधे सिर में दर्द रहता है जी। उसको गुस्सा आने लग गया, हाँ, खाया पिया पछता नहीं है उसको नहीं सर, नहीं वो सर, बड़े हाँ। दिन से कई बार बेड पर पड़ी रहती, काम नहीं कर पाती। वो खुशी कौन है? खुशी अनुपमा, हाँ साथ में लाया हूं मैं। डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नजात के काम देखो। दोनों साथ में आई, दोनों साथ में आई है, दोनों
खुशी भी और अनुपमा भी जी जी हालेलुया ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नजात के काम देखो आप लेकर आए हैं साथ में जी और काफी समय से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम तंग कर रही है उनको जी जी ठीक नहीं हो रहे हैं नहीं सर क्या लगते हैं आपके ओ प्रार्थना में आते हैं सर प्रार्थना में आते हैं जी किधर है खुशी हां उठाओ उसको उठाओ 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 बाहर निकाल इन्हें बाहर आ बेटे बाहर आ शाबाश ठीक हो ना बाहर आ जा फटाफट अपने आप आ जा उठा के ले लड़की इनको शाबाश बाहर ले अब ना हाँ मेरी तरफ देखो सुनो कह रहे कि आपकी फैमिलियों में कहता कि बार बार कहता कि आप जब भी कोशिश करते हैं तब भी कोई धोखा देकर चला जाता है आपकी कलीसिया को तोड़कर चला जाता है जी 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 दस लोग आते हैं तो पांच चले जाते हैं ठहराव नहीं हो रहा जी जी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से एक अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में आज से अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है रिलीज कर रहा है परमेश्वर मिराकल होगा आपसे यीशु मसीह के नाम में सेवकाई में आशीषें डबल होंगी और सेवकाई बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में चलो 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 छोड़ो उनको तीनों को इसी समय छोड़ दो उनको इसी समय ऊपर देख इधर देख यीशु के नाम में और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं वो सांप और बिच्छू इसी समय निकल जाए इनके अंदर से चलो यीशु मसीह नासरी के नाम में आउट निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ छोड़ इसको चल इसी समय तेरे सारे शरापों को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो पैरों से इसके हाथों से इसी समय उस जादू टोने को खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आउट बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ फ्री यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय हुक्म देता हूँ चलो इसी समय छोड़ दो इन बच्चों को चलो 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 ना छोड़ बे ना छोड़ ना छोड़े ना छोड़े चलो आग आ रही है चल यहोवा की आग भेज अग्नि भेज आज वो अग्नि भेज अग्नि भेज आज वो अग्नि भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज हाँ सुनो ध्यान से इनके छुटकारे का कारण क्या है छुटकारे का कारण इनको कुछ चीजें आपको पर्सनल बतानी है इनको जी समझ गए जैसे उंगलियां समझ रहे हो पैर माथा आप कोड वर्ड में समझा रहा हूँ सिर समझ गए कि नहीं इनको इनकी फैमिलियों को कुछ कोड वर्ड में चीजें समझानी है परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है और इसी समय फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में इसी समय पवित्र आत्मा ने अभी छुआ है अभी बहुत सारे सांप और बिच्छू एक एक करके जब आप इनके लिए दुआ करते हो तो तीनों को इकट्ठे करके नहीं करना समझ गए मेरी बात दोनों को इकट्ठे करके नहीं करना ये एक दूसरे में टप जाती हैं एक दूसरे में टपती हैं समझ रहे हैं मेरी बात सही है और इसी समय वो ठीक होती है दूसरी को या दूसरी ठीक होती है उसको हो जाता है और इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में अब से सेवकाई में परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है बैठ जाओ शाबाश जाओ जाओ छोड़ दे इनको और इसी समय उठा इधर से आइए हम वचन की सेवकाई में चल बैठे इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे परमेश्वर का आत्मा छुए इधर बैठा दे साइड में हाँ हाँ आइए सिर पे हाथ रखें परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहे हैं आइए सिर पे हाथ रखें पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी भी दुख में या परेशानी में हटा इनको यहाँ से सामने से बेटे उधर जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे चलो अपने आप जा पीछे चल लड़की शाबाश और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए और इसी समय आज 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन आमीन कितने लोग विश्वास कर रहे हो आज के परमेश्वर ने छुआ आज छुआ के नहीं हाँ या ना मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज हालेलुया अगर ठंड में आप ऐसे ही बैठे रहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज हालेलुया क्या मेरे प्रभु के लिए हालेलुया बोल सकते हो आज हालेलुया अपनी आशीष को खुलवा सकते हो आज हालेलुया बोलकर हालेलुया हाथ हिलाकर ताड़ियां बजाकर आज
खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों आज हाथ उठाकर बताऊं कितने लोग मुसीबतों में हैं, कितने लोग मुसीबतों में, सारे सारे मुसीबतों में, कितने लोग मुसीबत में हैं। फिर पूछ रहा हूं, अरे भैया किसी ना किसी, अरे पाजी सानू तो किसी ना किसी गल की टेंशन रहती है। हालेलुया, मैं कह रहा हूं जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अगर आज आप किसी भी मुसीबत या परेशानी में घबराए हुए हैं, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है। आमें। क्या आप तैयार हैं चर्च? आयना आज आपके साथ परमेश्वर आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा किन लोगों की मदद करता है? जो मुसीबत में है वो लोग मदद चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं मदद? कितने लोग डिवाइन हेल्पर को बुलाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक हेल्पर परमेश्वर मेरे लिए भेजे? कितने लोग चाहते हैं? आदमी लोग चाहते हैं मेरे लिए हेल्पर भेजे? तो परमेश्वर ने पहले से एक हेल्पर आपको दे रखी है, उसका नाम है हवा। उनकी पत्नियां एक हेल्पर है, देखा, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, प्रेस करती हैं बेचारी, फिर गोलगप्पे मांगो तो जूते भी खाती हैं बेचारी, सोने की चैन मांगो तो फिर जूते खाती हैं बेचारी, अगर ससुराल में जाने के लिए कह दें तो फिर डांट खाती हैं बेचारी। सारे बोला हालेलुया। तो आपके लिए हेल्पर है कि नहीं? जब कोई आपको कोई बुरा कह देता है, सामने आकर डंडा लेकर खड़ी हो जाती है, हेल्पर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दूंगा। आदम को कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक कह रहा है, तुम्हारे लिए एक मदद करने वाली, हेल्प करने वाली। तो आज विश्वास करना है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को हेल्प करने के लिए एक स्वर्ग दूत आज रिलीज कर दिया स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। इसकी आवाज खोल दे, इसका गला खोल दे, तेरा गला खोल दूंगा मैं आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि तीन बातें जो लोग अपनी डायरी में लिख रहे हैं वो समझ लें, स्क्रीन पर देखें। कह रहा है जिसके हाथ के काम निर्दोष हैं और जिसका मन शुद्ध है, कह रहा है उसकी हेल्प आएगी स्वर्ग से। हर व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर कि मेरी हेल्प भेज दे स्वर्ग से। चाहते हैं कि नहीं? जिस किसी पर कर्जा हो जाता है वो बोलता है परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, कोई भेज दे मेरे लिए आज। कोई कहता है कि परमेश्वर मेरे घर में आज बीमारी है, कोई डॉक्टर मेरे लिए भेज दे आज, कोई हेल्प करने वाला भेज दे। लेकिन कोई हेल्प जब नहीं मिलती लोगों को निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जिसके काम निर्दोष हैं और जिनका मन शुद्ध है, कह रहे हैं कि उसके लिए एक हेल्प जरूर आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए एक हेल्प आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आने वाली है स्वर्ग से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए हेल्प आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी। क्या आप तैयार हैं हेल्प लेने के लिए? कह रहे जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, ना कपट से शपथ खाई है, कह रहे उसके लिए आज स्वर्ग से एक हेल्प आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि लेकिन उसके जिंदगियों में आता है, कह रहे जो लोग सुबह हाथ उठाकर परमेश्वर को नहीं बोलते, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको एंजल रिलीज कराने हैं स्वर्ग से, तो आपको रोज अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर कि मेरे हाथ के काम देख और मेरा मन शुद्ध कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों को निर्दोष कर और मेरे मन को शुद्ध कर। और पवित्र आत्मा, मैंने कोई अपने मन में किसी के लिए कपट या मन में कोई भी ऐसी व्यर्थ बात सोची है, कल्पनाएं की है, तो मेरे पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर। याद रखना, पवित्र आत्मा आगे लिखा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, वह यौवा से तुरंत आशीष पाएगा। आमीन। ऐसे लोग आशीष पाते हैं। इसी के पांच में लिखा, क्या 24 के 4 में और 5 में लिखा कि वो यहोवा से आशीष पाएगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर उनके मन को करा जांचता है, परमेश्वर उनके मनों को जांचता है, लेकिन वो लोग जो है अपनी लाइफ में वो काम नहीं करते जिसे परमेश्वर पसंद करता है। नीति वचन में लिखा 2:7 में करा, वहां पर क्लियर लिखा, वो सीधे लोगों के लिए, फिर से पढ़ें देखो क्या लिखा, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हाँ। और जो खराई से चरते हैं उनके लिए ढाल ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वो सीधे लोगों के लिए बुद्धि रख छोड़ता है, खरी बुद्धि।
कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसी ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगियों में देगा, ऐसा बेस्ट, सबसे बेस्ट बुद्धि आपको देगा, बेस्ट जॉब देगा, लेकिन सीधे मन वालों के लिए। हालेलुया। कितने लोगों के लिए? सीधे लोगों के लिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको सीधा कहा जाता है, जो पाप से दूर रहते हैं वो उसको सीधा कहा जाता है। यूसुफ सबसे अपने घराने के अंदर एक सीधा और साधारण व्यक्ति था। सीधा कैसे था वो? वो अपने भाइयों के प्रति करें वो सीधा था। उसके भाई लोग काम करते थे, लेकिन भैंसे गुम हो जाती या फिर कोई पशु गुम हो जाते, भेड़ बकरियां, तो क्या करते? तो उसी समय उसके भाई जब उस पर इल्जाम लगा दिया करते थे, तो वो क्या करता था? वो उल्टा वो अपने भाइयों का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया करता था और वो कहता था, हाँ पापा सही बात है, सही बात है। वो सीधा था। जो भी कोई काम करते थे वो कह रहा कि परमेश्वर के कामों के लिए वो तैयार था। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज उनके लिए एक बेस्ट बुद्धि रखने वाला है। यूसुफ ने अपनी लाइफ में जब अपने मन को शुद्ध करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के कामों को करें कि मानना शुरू किया, और वो इतना सीधा था कि उसके उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, तब भी वहां पर वो सीधापन दिखा रहा है, और उसके भाइयों ने करा उसको मिस्रियों के हाथ भेज दिया, कितना सीधा था वो। पोतीपर के खेत में भी जाकर करा वहां पर जंग नहीं लड़ रहा है, जो उसको खाना मिल रहा है उसको वो ही खा रहा है। और आजकल के लोग कैसे हैं? अगर उन्हें खाना बासमती चावल की बजाय काम कराने के बाद थोड़े टेढ़े मेढ़े चावल दे दो तो भाई साहब आकर इल्जाम लगाते हैं, बोलते हैं यार लंगर में दे दो तो खाना पसंद नहीं करते, बोलते करे घर में सीधे हैं। आजकल विश्वासी लोग बहुत सीधे हैं। कितने सीधे हैं विश्वासी आज? करे विश्वासी लोग अपने घर में बासमती चावल बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहो चर्च में लंगर है तो वो टूटे हुए चावल देकर जाते हैं चर्च में। कितने सीधे हैं बेचारे। हालेलुया। कितने सीधे और साधारण व्यक्ति हैं, टूटे हुए चावल देके जाते हैं, जो कहीं नहीं चलते वो हमारे चर्च में चलते हैं। हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर ऐसे लोगों को जांचता है। कह रहा कि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसका मतलब तो परमेश्वर ब्लेसिंग कैसे देगा? अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं किया। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए तैयार है। आज फैसला ले लो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि। दूसरा करें प्रार्थना करने वाले लोग करें कि अपनी जिंदगी में सुधार देखते हैं। तीसरा करें जिनका चरित्र साफ है, चरित्र में सुधार लेकर आते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। पहला शमूएल 17:43-45 में लिखा कि दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 14 साल की उम्र में मैं कह रहा हूं कि उसने क्या किया, एक सांड जैसे गोलियत व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। सीधा था वो, क्योंकि वो देख रहा था कि इजरायली लोग उसे छुपकर, गोलियत से छुपकर बैठ गए गुफा सी में, जंगल में छुपकर बैठ गए कि गोलियत आ गया, क्योंकि वो शरीर में बहुत लंबा था, चौड़ा था। लेकिन उसी समय दाऊद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसी समय उसने कहा, कह रहा मैं इनको मारने के लिए जाऊंगा। और उसने कहा, यार तू सीधा है, क्या कर रहा है तू? उसने कहा, तू भोला है, क्या कर रहा है तू? अरे बेटे ऐसे नहीं होता, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आज मैं जाऊंगा, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जाऊंगा। और उसी समय उसके भाई कह रहे थे कि तू क्या कर रहा है, उसके हाथ में तलवार है, भाला है, 45 फुट का होगा वो, मैं कह रहा हूँ 11 फुट का, 12 फुट का, 13 फुट का होगा, कितने भी फुट का होगा गोलियत, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा था, इसराइल के अंदर सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति, कह रहा गोलियत उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था, कहता है तुम्हारा कोई परमेश्वर, आ जाओ मेरे सामने उसी समय। लेकिन वो सब डर के मारे बैठे थे, लेकिन ये दाऊद कितना सीधा था। परमेश्वर सीधे लोगों को पसंद करता है, लेकिन सीधे के साथ साथ वो एक प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और वो उसी समय तलवार और भाला नहीं, वो एक गुलेल लेकर वहां पर उसके सामने और एक पत्थर लेकर खड़ा हो गया, बोलता है करा कि मैं तुझे मारूंगा। और उसी समय गोलियत उसे देखकर हंसने लगा। आज हो सकता आप भोले भाले हो, आप सीधे हो, आपको प्रार्थना करनी ना आती हो, आप चर्च आ रहे हो लेकिन लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, तू सीधा है। लेकिन विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। करा के दाऊद ने कहा, करा के मैं तुझे मार कर जाऊंगा आज। और उसी समय गोलियत कह रहा था, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा? कह रहा बच्चा कहीं का कुत्ता समझा है क्या? कह रहा कुत्ता हूं मैं, छोटा सा बच्चा मुझे आकर मार देगा? कह रहा मार के दिखा। और उसी समय तलवार भाले लेकर खड़ा है वहां पर, ढाल लेकर खड़ा है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा कि मेरे सामने कोई, कह रहा सारे इजरायली मर गए क्या? कह रहा ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ लड़ने के लिए भेज दिया।
और उसी समय दाऊद ने एक ही निशाना लगाया। दाऊद पहले उससे क्या कह रहा था, दाऊद कह रहा था तुझे नहीं पता, कह रहा तू तलवार फाले के साथ आया है, लेकिन कह रहा कि मैं परमेश्वर के सामने करा प्रार्थना करके आऊं, मैं अपने परमेश्वर के साथ आया हूं आज यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रार्थना के साथ आया हूं, मैं आज जंग जीत कर जाऊंगा। उसका विश्वास था कि मैं अपनी प्रार्थना पर आज विश्वास था उसको। कई लोगों अपनी जिंदगी में क्यों जंग हार जाते हैं, क्यों बड़ी बड़ी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन सीधा नहीं है और उनके हाथ के काम शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है कि जो मैं प्रार्थना करके आया हूँ और उसके बाद जो मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं निशाना लगाऊंगा गवर्नमेंट जॉब पर लगेगा सीधा जाकर, मैं आज निशाना लगाऊंगा। आज प्रार्थना करते हैं लोग लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करके आया हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो लेकिन मैं निशाना लगाऊंगा, प्रार्थना में कमरे में जाऊंगा। आज कह रहा पथरियां बाहर जाएंगी, रसौलियां बाहर, कैंसर बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, मैं निशाना लगाऊंगा। कौन लगाएगा निशाना, कौन लगाएगा निशाना, सारे बोलो हालेलुया, कौन लगाएगा निशाना। एक बार मैं से छोटा बच्चा था, मेला लगा हुआ था, वहां पर गुब्बारे लगे हुए थे और जब गुब्बारे लगे हुए थे तो उसी समय वो पता नहीं 1 रुपए में 3 बार निशाना मारने के लिए दे रहा था, गोली से मारना है। और उसी समय मेरा भाई कह रहा था 1 रुपया दिया मम्मी ने मैं मारूंगा, दूसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा, तीसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा, हम 3 भाई हैं। मैंने कहा 1 रुपए में 3 निशाने मारने को दे रहा है, तो मैंने कहा या तो तू मार ले या मैं मार लूँ या ये छोटे वाला मार लेगा। तो उसी समय बड़ा भाई कह रहा ले, खाली गया। बीच वाले ने मारा करा ले, खाली गया। तीसरे वाला करा ले, उसने मारा, जहां वो आदमी खड़ा था उसी के ऊपर मार दिया, उसी को लग गया, उसको लगा भाई साहब गाया लगा, हम भाग गए वहां से। आपको बता रहा हूं कि हमारे निशाने चूक जाते हैं कई बार, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, मेरा भाई जो था छोटा बच्चा था, हम बड़े थे उस समय में, वो छोटी सी उम्र में था। मैंने कहा चल तू भी लगा ले, वो कह रहा था देख 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 किधर घुमा रहा, देख देख, और उसने ऐसे किया थार दे उसी को मार दिया। आपको कह रहा हूं कि जिनके मन सीधे हैं आज उनके निशाने सही लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए यीशु मसीह बालकों को पसंद करता है, छोटे बच्चों को पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि वो हेरा फेरी कर रहा होगा, उसके ऊपर सीधा निशाना लगा दिया उसने। दाऊद कह रहा था, कह रहा है मुझे निशाना लगाना है, लेकिन दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर उठाया और गुलेल से मारा, सीधा उसके माथे पर लगा जाकर। क्यों लगा? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था, उसको एक बात समझ में थी, क्योंकि उसको पता था कि बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर कहावत है, नहीं है, कह रहा है कि धर्मशास्त्र पुस्तक बोलते हैं, कह रहा है जो जब परमेश्वर को कोई ललकारे तो उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाए। हालेलुया। पहले उसको पत्थर उठाकर मार दिया करते थे, और उस व्यक्ति ने, उस छोटे से बच्चे ने इस बात को समझा और उसने पत्थर उठाकर निशाना लगाकर मारा और उसी समय फिनिश हो गया, ढेर बन गया वहीं पर। मैं कह रहा हूं कि आज जब आप प्रार्थना के साथ करा निशाना लगाएंगे, याद रखना वो ढेर हो जाएगी समस्या, बड़ी से बड़ी, वो बड़े से बड़ी बीमारी ढेर होगी आज आमीन बोलने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए आज ढेर होगी वो समस्या। क्या आप कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते? पड़ोसी को बोलो तेरी हेल्प आने वाली आज, हेल्प आएगी कि बीवी आएगी थोड़ी देर में, डंडा लेके बीवी आ रही होगी, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो भी सही निशाना लगाना जानती है, माँ भी सही निशाना लगाना जानती है, कहाँ मारना है इसको बच्चे को। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि सीधे मन वाले लोग कह रहा आशीष को प्राप्त करते हैं, लेकिन आशीष उसकी है जिसके हाथ के काम निर्दोष होंगे, क्योंकि दाऊद उस समय निर्दोष था, मन उसका शुद्ध था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रार्थना करने वाला था। अगर आपके जीवन में प्रार्थना करने का कह रहा कि समय है आपके पास, तो परमेश्वर बता रहा है कि प्रार्थना आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर रीढ़ की हड्डी पर ये शरीर टिका हुआ, रीढ़ की हड्डी ना टिके तो उसके बाद शरीर डाउन हो जाता है। ऐसे ही अगर जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उसी समय आपके निशाने चूक जाते हैं, आपके बैंक बैलेंस चूक जाते हैं, आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसका मतलब कह रहे कि प्रार्थना करने वाले लोग इस साल में कह रहे कि सबसे ऊंची आशीष पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज, बोलो कि परमेश्वर कि मेरी मदद कर दे आज। कितने लोग चाहते हैं कि आज मदद मिले स्वर्ग से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं उसकी मदद करूंगा, कह रहा है कि जो अपने आप को पवित्र करेगा, अपने मन को शुद्ध करेगा, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करेगा, अपने कैरेक्टर में सुधार करेगा, कह रहा है इसी हफ्ते में एक नई आशीष स्वर्ग से रिलीज होगी। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए हाथ उठाकर मांग लो आज। आमीन। आपके लिए मेरे कहने से स्वर्ग से एक मदद भेज रहा है मेरा परमेश्वर।
की दाऊद के लिए हेल्प कब आई? जब उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था अपनी परिस्थितियों में भी। वो चोरी करने के लिए नहीं गया। दाऊद के पास पैसा नहीं होता था, उसके मन में ठगी करने का फैसला नहीं आया कि काम ना चले तो ठगी मार लो। आज बहुत सारे लोग कह रहे बिजनेस नहीं चलते तो ठगियां मारते हैं, लेकिन दाऊद ने एक दिन भी परमेश्वर को कह रहे के अपने आप को कह रहे के संभाल कर रखा। दाऊद ने एक भी दिन परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना। दाऊद ने एक भी दिन परमेश्वर को के सामने ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस दिन उसने प्रार्थना ना की हो। दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक दिन कह रहे के जब वो राजा बना और उसके थोड़े टाइम से पहले तो क्या हुआ कि वो अपने प्लाटून में, मैं उसको प्लाटून कहूंगा सूबेदार के, वो उस समय में एक अपनी सेना के अंदर एक राजा ही था। और जब वो फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए जा रहा था तो उसी समय पीछे से क्या देखता है, कह रहे हैं कि वो लोग उसके बच्चों को, उसके परिवार को उठा कर ले गए, उसकी बीवी को उठा कर ले गए, सब कुछ तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सारे झोपड़ी बंगले जो भी उसके पास थे, धन सोना चांदी सब जला दिया, राख खाक कर दिया, उठा कर ले गए। और उसी समय कह रहे जो उसके दोस्त रिश्तेदार जो भी वहां पर जिसके यहाँ पर शरण लेकर वो ठहरा हुआ था, उसके भी और जो उसके साथ लोग गए थे उनके भी परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसी समय कह रहे जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर उठा लिए। आज हो सकता है जब आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं, तो लोग पत्थर उठा लेते हैं परमेश्वर के ऊपर, पास्टर के ऊपर, और वो बोलते हैं, कहते हैं कि जी तेरे कारण हमारा नुकसान हुआ, तेरे कारण हमारा ये हुआ। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, परेशानी में हैं, लेकिन दाऊद उस समय माथे पर हाथ मारने की बजाय परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर उसको कह रहा था, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी मैं आज के दिन भी मैं कहीं और नहीं, आज के दिन भी मैं तेरे चरणों में बैठकर धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परमेश्वर तुम मेरी मदद कर, के पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, परमेश्वर मुझे बता, कह रहा है जो मेरे दुश्मन मेरे परिवार को उठा कर ले गए हैं, मैं उनसे लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, पवित्र आत्मा मुझे बता। इसका मतलब उसकी पत्नी लेकर जा रहे हैं, बच्चे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पूछ रहे हैं कि परमेश्वर मैं इनको छुड़ाऊं कि ना छुड़ाऊं। क्या ऐसा होता है? मतलब इतना परमेश्वर से प्यार करता था वो व्यक्ति कि वो छोटी छोटी बात को परमेश्वर से पूछ कर जाता था। अगर किसी की पत्नी या किसी बच्चे को कोई चोर उठा कर ले जाए रस्ते में से, डाकू उठा कर ले जाए, क्या उसका पति पूछेगा रस्ते में गाड़ी चोरी करके ले जाए, पत्नी बच्चे अंदर बैठे और गाड़ी ले जाए, क्या आदमी कहेगा परमेश्वर मैं जाऊं कि ना जाऊं? आदमी कहेगा अरे अभी चलते हैं, रुक यार, कहां जा रहा, छोड़ कर जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने कह रहा कि हाथ उठाए और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मुझे बता। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा जा, कह रहा मैं तुझे जंग जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और वो गया और जीत कर आया, परमेश्वर ने उसकी हेल्प भेजा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, अगर आज आपके ऊपर कर्ज है, अगर बीमारी, अगर कोई समस्या है, तो परमेश्वर कह रहा हाथ उठाने वाले लोग निराश नहीं होंगे, याद रखना, इस साल में जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए स्वर्ग से भेजा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो डरे हैं विश्वास करो, स्वर्ग से एक हेल्प आएगी आज रात आपके लिए। दाऊद डरा हुआ था, चिंता में था, निराशा में था, क्या होगा, लेकिन उस समय भी उसके अंदर भरोसा था परमेश्वर पर। ऐसे समय में भरोसा नहीं होता, लेकिन जब परेशानियां उलट हो, परिस्थितियां उलट हो, लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन ऐसे समय में कह रहे कि कोई प्रार्थना नहीं करने की बजाय कह रहे कि चिंता ज्यादा करता है, लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था। कह रहे कि अगर सब कुछ चला गया है, वापस भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये हफ्ता आपके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एक हेल्प मांगने का नहीं है, हेल्प करने का होगा यीशु मसीह के नाम में। इतनी हेल्प आएगी आज रात के बाद कि तुम लोगों की हेल्प करो कि यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तुम्हारे पर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक देने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहे कि वो लोग कह रहे कि जो आज हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया। एक पास्टर था और उसने अपने बच्चे को बाहर फौरन में भेजा, पैसा लगाया, कर्जे पे उठाया और बाहर भेज दिया। और जब वो बाहर गया और वहां जाने के बाद उस पास्टर के लड़के ने एक बिजनेस किया, और जब वो बिजनेस किया तो वहां पर उन्होंने उसकी दुकान चलने लगी, तो गुंडे उससे आकर हफ्ता लेने लगे। बोला हालेलुया, करे हैं, फौरन में भी ऐसा होता है, फौरन में भी ऐसा ही होता है। हफ्ता लेने लगे काले लोग और से बोलने लगे, लेकिन वो बड़ा टाइम से परेशान हो गया बेचारा। और उसी समय
कहने लगा परमेश्वर मैं क्या करूं क्या करूं, लेकिन उस समय हेल्प भेज भेज कर थक गए, पास्टर के पास इतना पैसा नहीं था। उसका बेटा भी रोने लगा, कहने लगा पापा अब कोई चारा नहीं है, यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती है। लेकिन उसने कहा फिर क्या करें, कहता कि उसके बाप ने कहा बेटे कि अब तो एक ही बात कर सकते हैं कि सीधे होकर अपने हाथों को सीधा कर ले आज परमेश्वर के सामने, ऊंचे उठा ले आज, घुटने टेक ले आज। और उसने प्रार्थना किया और वो काले लोग बोल कर गए थे, करे कि एक हफ्ते के अंदर अगर तूने हमें नहीं दिया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और उसके लड़का और उसका बाप फोन पर बैठ गए और उसी समय करा इंडिया में और वो बाहर फौरन में प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही वो हफ्ता मांगने वाले आ रहे थे, सड़क पार कर थे, एक ट्रक आया और उन दोनों कालों की टांगे तोड़कर चला गया, उसके ऊपर से चला गया और वो अपाहिज हो गए सारी जिंदगी के लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, याद रखना। लाख कोई बुराई करे आपकी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना, डरना नहीं, करे कि लेकिन पवित्र आत्मा किन लोगों की मदद करेगा आज। करे जो लोग हाथ उठाना जानते हैं, आज लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरी मदद कोई नीचे से आएगी, लेकिन नीचे से नहीं आएगी, याद रखना ऊपर से आती है मदद। कहां से आती है मदद? चर्च कहां से आती है मदद? करा ऊपर से आती है मदद, लेकिन उन लोगों की जिनका मन शुद्ध है उनके लिए मदद आती है। जब कई करें कि अपनी लाइफ के अंदर करें एक इनकम टैक्स, मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स में काम करता था और वो चुंगी लेने वाला था, और उसी समय क्या हुआ उसका मन शुद्ध नहीं था। जब यीशु मसीह उसके पास आया, उसने यीशु मसीह को देखा तो क्या बोल रहा है देखने के बाद, कह रहा है चार गुना वापिस लुटा रहा उनका पैसा, चार गुना। कहता है ये कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने, सिर्फ यीशु मसीह को देखने के बाद, कह रहा है कि इतना सुंदर है यीशु मसीह, उसको देखने के बाद उसके मन में शांति आने लगी। काम वो इतना पैसा कमाने के बाद सो भी नहीं पाता था रात को, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के चेहरे को देखा, देखते ही बोलता है, कहता है कि आज तो मेरे घर में उद्धार आया है, आज तो मेरे मन में शांति आई है, आज तो मेरा मन शुद्ध होने का कर रहा है, आज तो मेरा मन में से कपट बाहर जा रहा है। कह रहा है कि आज तो कह रहा है कि मेरे हाथ निर्दोष होने के लिए कह रहे हैं निर्दोष हो जा, हाथ उठा रहा है। यीशु मसीह को देखने के बाद करा उसी समय बदल जाता है वो व्यक्ति, और उसी समय कहता है कि परमेश्वर ये चार गुना, करा कि आज से जिसका लिया था चार गुना वापस दूंगा। लेकिन आज विश्वासी जिसका ले लेते हैं वापस नहीं देते, करे किसका दिया जो तेरा वापस देंगे। बोलो हालेलुया। आप समझते हैं कि नहीं, अगर आपने किसी का उधार लिया है आपको देना पड़ेगा लाइफ में, समझ रहे हैं? खैरा देना पड़ेगा। परमेश्वर जानता था, इसलिए जक्कई को कहा कि जिसका तूने लिया है उसका दे दे, और उसी समय जक्कई ने कहा, और उसी समय यीशु मसीह ने उसके समर्पण को देखकर कहा आज इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के घर में आज उद्धार के साथ साथ मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े काम होने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट गवाही आने वाली है चर्च। आमीन बोलने वाले आज क्या तैयार है? आज आमीन तैयार है आज आप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो उसी समय लोग हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, जो इतना हम शुद्ध होने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं बड़ा काम करने से पहले, उसी समय वो निराश हो जाते हैं। लेकिन पेड़ आम के पेड़ पर पत्थर उसी पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। अगर आपके पेड़ पर फल लग रहे हैं तो शैतान पत्थर भी मारेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति कुछ बनने वाला है, ये व्यक्ति कुछ करने वाला है। यूसुफ पर पत्थर मार रहे थे, यूसुफ बढ़ता चला गया। जैसे ही उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसको ड्रीम आया, और जब ड्रीम आया 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और उसका पूला सीधा खड़ा, और उसके भाइयों का पूला जब गिर गया तो उसी समय उस ड्रीम को देखने के बाद उसके भाई उसे जलने लगे। शैतान उस पर अपने भाइयों उसके भाइयों के द्वारा अटैक कराने लगा। कोई और नहीं आप पर अटैक करेगा, आप ही के लोग होंगे जो आप पर अटैक करेंगे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर उस समय यूसुफ इतना सीधा था और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अपनी लाइफ में डर जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं पता कि फल है कि नहीं है। किस व्यक्ति के ऊपर फल है उसकी, मैं कह रहा हूं कि याद रखना उसके जीवन में ज्यादा परेशानी आएंगी। अगर आप उस परेशानी में गिरे हुए हैं तो बाइबल बोलती है भजन संहिता 34:19 में लिखा, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है लेकिन उन विपत्तियों से परमेश्वर निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। करा निकाल लेता उन्हें। यूसुफ फंसता रहा विपत्तियों में, लेकिन निकलता चला गया, फंसता रहा निकलता चला गया, फंसता रहा निकलता चला गया। लेकिन बाद में क्यों उसको पता लगा? करा क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं कौन सी मिट्टी का बीज हूं और मैं क्या पेड़ बनूंगा, क्या फल बनूंगा। अभी आप नहीं जानते आप क्या कौन है, आप क्या बनने वाले हैं। आप यहाँ पर अपना टाइम करा
समय वेस्ट नहीं कर रहे, आप अगर टाइम निकाल कर आज के दिन भी यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूँ एक दिन परमेश्वर इन्हीं पेड़ के अंदर से एक बड़ा फल बाहर निकालने वाला है, शमसी के नाम में बेस्ट आशीष बाहर निकालने वाला आपके जिंदगी में। यूसुफ को बाद में पता लगता है, ये सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।